हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साइना को, लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, साइना, फिल्म साइना, बैडमिंटन प्लेयर, यू कहिए चैंपियन बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की बायोपिक है। ये ऑब्वियसली साइना नेहवाल की जीवनी है, उनकी लाइफ स्टोरी है, कैसे उन्हें बैडमिंटन में दिलचस्पी हुई, कैसे उन्होंने अपने स्किल्स को होन किया, किन किन लोगों ने उनकी मदद की, कौन उनके सपोर्टर्स थे, कौन उनके डिट्रैक्टर्स थे, किन्होंने ये सोचा कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, और कैसे उन्होंने पहला मैच या टूर्नामेंट जीता, कैसे वो चैंपियन बनी, कैसे वो इंडिया की आइकॉन बन गई, वगैरह वगैरह। तो कहानी ये है एंड रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को। कहानी और पटकथा दोनों लिखे हैं अमोल गुप्ते ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, और इस फिल्म के डायलॉग्स अमोल गुप्ते और अमितोष नागपाल के हैं। सबसे पहले कहानी, क्योंकि कहानी रियल लाइफ पर आधारित है इसलिए इंटरेस्टिंग तो है लेकिन कंसिस्टेंटली इंटरेस्टिंग नहीं है। एंड स्क्रीन प्ले के बारे में भी हम ये कहेंगे, इस प्रकार की जो कहानी होती है, जो नेशनल हीरो, ऑब्वियसली साइना नेहवाल इज अ नेशनल हीरो, तो इस प्रकार की कहानी जब तक बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल नहीं होती है या फिर बहुत ज्यादा रुलाती नहीं है, बहुत ज्यादा आपके दिल को छू नहीं पाती है, तो फिर वो बात नहीं बनती है, कहानी में वो एक्साइटमेंट नहीं आता है। और इस स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले में भी वही बात है। इंटरेस्टिंग मोमेंट्स है, इंटरेस्टिंग सीन्स भी है, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको ऐसे एक इंस्पिरेशन वाली बात फील हो वैसे नहीं लगता है। प्लस ये कहीं ना कहीं दिल को छू लेने वाली कहानी कम है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी बात दिल को नहीं छूती है। ऑफ कोर्स शी इज अ नेशनल आइकन एंड शी इज अ चैंपियन। इंडिया का नाम उन्होंने इंटरनेशनल मैप पर लाया है। डेफिनेटली कुछ सीन सोचने होंगे ही, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है और वो बात नहीं बनती है जब आप ड्रामा को अनफोल्ड होते हुए देखते हैं बड़े पर्दे पर। और इसलिए स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले में ऐसे लगता है कुछ ना कुछ कमी है। एक्चुअली बहुत कुछ कमियां हैं। सबसे पहली कमी ये है कि एक रोल मॉडल साइना को जो दिखाना चाहिए, दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो रोल मॉडल ऑडियंस के लिए जब आप फिल्म देख रहे हैं वो रोल मॉडल नहीं बन पाती है। आपकी सिंपैथी साइना के साथ जाती है फिर वापस खत्म हो जाती है, जाती है फिर वापस खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको अच्छी नहीं लगती है, ऑफ कोर्स वो आपकी हीरो है, लेकिन शुरू से अंत तक वो आपकी हीरो नहीं रहती है। यानी जिसके लिए आप मर मिटने के लिए तैयार हो जाए, या यूं कहिए फिल्म देखते देखते आप भगवान को प्रार्थना करें, हे भगवान साइना को जीतना चाहिए, साइना को जीतना चाहिए, एंड यू स्टार्ट एक्सल्टिंग व्हेन शी विंस, यू आर एट द एज ऑफ योर सीट। ऐसी बातें नहीं होती है इस फिल्म में। एंड एक स्पोर्ट्स फिल्म हो जिसमें आप एज ऑफ द सीट पर नहीं आए 10 बार 15 बार 20 बार नहीं आए, 10-15 बार सीटियां और तालियां नहीं बजाए, तो फिर वो बात नहीं बनती है। सो द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले बोथ आर लैकिंग। स्क्रीन प्ले की एक बहुत बड़ी खामी ये है कि जो कोच है राजन, कोच राजन प्लेड बाय ऑफ कोर्स मानव कौल, उनका किरदार कुछ समझ में नहीं आया है। वो हमेशा साइना नेहवाल को देख के जितने खुश होने चाहिए वो खुश नहीं होते हैं। ही इज नॉट अ विलन, ही इज अ वेरी गुड हीरो, लेकिन क्यों वो बार बार उसे देखकर टेंशन में आ जाते हैं। ही इज नॉट हैप्पी। जब वो पहली बार जीत के आती है तब भी ऐसे लगता है कि उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा है। देयर इज नो रीजन फॉर इट। एंड ऐसा भी नहीं कि उनको बुरा लगता है, लेकिन जो स्क्रीन प्ले ऐसे लिखा गया है, जिस तरह से सीन्स ऐसे शूट किए गए हैं, आपको लगता है वाई इज राजन सर, कोच जो है, Why is he not happy? उन्हें तो सबसे ज्यादा नाचना चाहिए, सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। Of course, वो बहुत ज्यादा mature है, साइना नेहवाल से बहुत ज्यादा mature है, लेकिन रंग में भंग मिलाने वाले कोच नहीं हो सकते हैं। इस फिल्म में आपको ऐसे लगता है। Again, I'm saying it is not so, but this is the defect of the screenplay writer कि वो पूरी तरह से कोच राजन को खुश होते हुए नहीं दिखा पाए हैं, और इसलिए ऑडियंस के माइंड में पहले से ही ऐसे फीलिंग आती है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, प्रीएम्प्टिव स्क्रीन पे जैसे कहते हैं। सो दैट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग। डायलॉग्स का जहां तक सवाल है, दे कुड हैव बीन फार फार मोर पंच पैक्ड। इससे ज्यादा पंच वाले डायलॉग्स होने चाहिए। 10 या 15 बार डायलॉग्स पर तालियां बजनी चाहिए, या ऐसे डायलॉग्स होने चाहिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, आपको साइना नेहवाल को एम्युलेट करने की आशा जागरूक हो, ऐसे डायलॉग्स होने चाहिए। लेकिन ऐसे डायलॉग्स नहीं है। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। परिणीति चोपड़ा ने साइना नेहवाल की भूमिका बखूबी निभाई है। शी हैज गॉट द न्यूएंसेस ऑफ साइना नेहवाल वेरी वेल। अगर आपने साइना नेहवाल को बैडमिंटन खेलते हुए देखा है तो आप कहेंगे बहुत अच्छे से कॉपी किया है परिणीति चोपड़ा ने। शी हैज गॉटन इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। ऑफ कोर्स परिणीति चोपड़ा एक बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है और इस फिल्म में भी उनका काम बहुत अच्छा है। मानव कौल, जिन्होंने कोच राजन की भूमिका निभाई है, ही इज गुड बट नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी। ऑफ कोर्स उनकी गलती नहीं है, लेकिन स्क्रीन प्ले इस प्रकार से लिखा गया है कि उनके परफॉर्मेंस को आप ज्यादा दाद नहीं दे सकते हैं। मेघना मलिक, जो कि साइना नेहवाल की मम्मी की भूमिका निभा रही है, थोड़ा किडिश परफॉर्मेंस है, थोड़ा चाइल्डिश परफॉर्मेंस है, एंड शी डजंट इम्प्रेस टू मच। जस्ट बाय बीइंग एक्साइटेड कि आपकी बेटी को सिलेक्ट किया गया है या उसने मेडल जीत लिया है, दैट इज नॉट ऑल दैट देयर इज टू एक्टिंग। शुभ्रज्योति बाराट, जो साइना नेहवाल के पिताजी की भूमिका निभा रहे हैं, ही डजंट गेट मच स्कोप, ही इज जस्ट अबाउट ओके। ईशान नाकवी, जो कश्यप की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज वेरी एंडियरिंग। छोटा रोल है लेकिन एंडियरिंग परफॉर्मेंस, एंडियरिंग पर्सनैलिटी। अंकुर विकल, जो एक कोच बने हैं, he is also made his presence felt. Rohan और दामोदर की भूमिका में रोहन आपटे एंड शर्मन डे respectively lend very good support. अबू नेहवाल की भूमिका में डिम्पल कलशन is all right. And Nisha Kaur Bhatoye as little Saina Nehwal is definitely very good. बाकी और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही तरीके से किया है। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अमोल गुप्ते के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और जिस प्रकार से उनकी स्क्रिप्ट कमजोर पड़ती है, उनके डायरेक्शन के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि ही हैज नॉट बीन एबल टू मेक अ मूविंग ह्यूमन ड्रामा। ये एक ह्यूमन बीइंग की, एक नेशनल हीरो की कहानी है और ह्यूमन ड्रामा कमजोर पड़ता है। फिल्म में संगीत अमाल मलिक का है एंड लिरिक्स मनोज मुंतशिर और कुणाल वर्मा के हैं। एंड द म्यूजिक ऑट टू हैव बीन फार मोर इंस्पिरेशनल। सुपरहिट गाने होने चाहिए थे लेकिन एक भी गाना सुपरहिट छोड़ के हिट भी नहीं है। गानों की कोरियोग्राफी विजय गांगुली की है। स्कोप ज्यादा नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी कोरियोग्राफी। बैकग्राउंड म्यूजिक कुड हैव बीन फार बेटर। सिनेमेटोग्राफी पीयूष शाह की है जो कि अच्छी है। एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी काफी अच्छी है। प्रोडक्शन डिजाइनिंग बाय अमित रे एंड सुब्रता चक्रवर्ती इज डिसेंट। एंड दीपा भाटिया की एडिटिंग बहुत शार्प है, बहुत क्रिस्प है। तो ओवरऑल साइना एक ऐसी बायोपिक है जो ना तो पूरी तरीके से इंस्पायर करती है और ना ही ऑडियंस को मूव करती है, और इसलिए ये बहुत ही औसत या यूं कहिए बिलो एवरेज बिजनेस करेगी। वैसे भी लुकिंग टू द ग्रोइंग नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस इन द कंट्री एंड अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने कर्फ्यू ऑर्डर किए हैं आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, रात का कर्फ्यू, इसलिए शोज जल्दी बंद होंगे, नाइट शोज हो ही नहीं सकते उन शहरों में। कुछ शहरों में वीकेंड में या संडे को सिनेमास बंद होने का आदेश आ गया है। तो अलग अलग जगह अलग अलग टेंशन है और इसलिए भी लोग वैसे ही कम आ रहे थे और भी कम आएंगे, और इसलिए इस फिल्म का बिजनेस बेहद कमजोर रहेगा। वैसे भी आज इस फिल्म की शुरुआत कमजोर है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ साइना? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड अगर आपने भी फिल्म देखी है तो हमें यह भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, stay safe, stay relevant, and yes, you said it, stay tuned.